नहीं टूटा हुआ था उसका सेट। हाँ हेलो, ये देखो अभी ये मेरा एक्सरा है टीवीएस अपोलो का, जिसमें अंदर प्लेट नहीं है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, क्योंकि वही इंस्टाग्राम पे या कमेंट में मैसेज आता है तो निकल गया एक्सरा, वापस देख लीजिए आगे। मैंने अभी ये स्टीचेस जो है वो मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टीचेस जो है भी पटेला का जो मेरा सर्जरी हुआ उसके बिहाफ पे था। और कैसा होता है, टूटा हुआ फ्रैक्चर जो होता है नी वो, और लिगामेंट एसीएल सर्जरी वो वावा, और स्टिफनेस जो होता है वो अलग होता है। स्टिफनेस के लिए वो मैं पहले ही सीपीएम मशीन या फिजियोथेरेपिस्ट वो सब करता था, लेकिन ये जो था ये मेरा घुटने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और अभी मैं आपको आगे वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये भी मेरा फ़िलहाल तो एक्सरा चालू, ये एक्सरसाइज चालू है, तो एक्सरसाइज ये कर रहा हूँ। ये पेन के लिए आपको पता है, ये मैंने पेन के लिए पैच लगाया हूँ और जिसका वीडियो मैंने डाला हूँ। और ये मैं अभी थोड़ा नी ऑलमोस्ट मेरा पहले जैसा तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम लोग वो करते उतना हो जाएगा। और पेन अभी कम है चलने में, क्योंकि नी पे बहुत पेन होता था। और ये स्टिचेस अभी निकल चुके हैं पूरे, मतलब थोड़े से वो रखे थे क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा था, इसकी मैंने बताया, और चार रखे थे तो सबका अलग अलग है, किसी का एक साथ निकल जाता है। अभी यहाँ से पानी आ तो क्यों निकालेंगे, गीले है तो हर किसी का, मेरा बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, अलग क्षमता है, आपकी बॉडी का अलग है, तो वो भी क्वेश्चंस रहता है, स्टिचेस क्यों नहीं निकाले, अब क्या करूँ, डॉक्टर को क्या बताई, क्या बताइए। अब तुम लोग भी भैया भाजी लोग जैसा काम करते हो यार, समझते नहीं हो, सबका बॉडी अलग अलग। अब देखो, अब घुटना हम पहले का है, ठीक है, ये देखो ऑपरेशन के बाद घुटना फूट गया है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, तो ये स्टीफनेस वाला नहीं, ये पटेला रिपेयर हुआ है हमारा, समझे। और वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो किस किसी को लग, तो वो स्टीफनेस अलग होता है और पटेला ब्रोकन लिगामेंट एसीएल वो अलग होता है। यहाँ घुटने के नीचे भी मुझे कट है, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, वहाँ से वो तार डाली गई है और वहाँ से वो किया गया है सर्जरी, और यहाँ से भी पटेला को थोड़ा सा साइड में किया गया, तो जो कि था ऐसा मुझे, मतलब जो आपको दिख रहा है ये पहले वाला, और ये देखिए ना अभी वाला दिख रहा है ना, अभी जो जस्ट वीडियो था उसमें कैसा था, वहाँ पे क्रैक था, अभी देखिए यहाँ पे, देखिए ये अभी वाला है ना, तो वही बात है। तो अभी मैं इसको बस ऑलमोस्ट ठीक होने वाला है, तो स्टिचेस तो निकल गए हैं, और जैसे कि उसमें से भी पाया मूवमेंट कर रहा था तो पानी आ रहा था यहाँ से, ये घुटने के ऊपर से, तो ठीक है। अभी ये ब्रेस दिया गया है सेफ्टी साइज के लिए, कहीं जाना रहता है तो जाता हूँ ब्रेस लगा के, और इट्स इजी, कोई तकलीफ है नहीं यहाँ पे। और तो अभी फ़िलहाल फिजियोथेरेपी और सीपीएम मशीन चल रही है, सीपीएम मशीन जो कि घुटना मोड़ने के लिए काम आता है आफ्टर सर्जरी, नी सर्जरी, जिसका भी नी पटेला एसीएल या सर्जरी हो, वो लोग नॉर्मली फिजियोथेरेपी या सीपीएम मशीन का उपयोग करते हैं। और लेग मूवमेंट हमें देना चाहिए जो कि डॉक्टर ने कहा है, और देते रहिए। तो कहने का मतलब यही था कि मतलब स्टिफनेस जो होता है वो अलग होता है, और जो टूटा हुआ होता है उसका अलग होता है। तो स्टिफनेस होता है नी, वो हम लोग मूवमेंट नहीं करते पेन के वजह से, इसलिए होता है। और जिसका जिनका बेचारों का टूटा है वो दर्द अलग होता है, तो वही दर्द था, चलने में अजीब सा होता था, तो वो सर्जरी। और बहुत सारे हैं जो हमें देते हैं ज्ञान, तो कैसा होता है, कोई कोई वीडियो नहीं देखता है पूरा, और जैसे कि आधे में ही समझ जाता है, तो फिर उन्हीं के लिए ये मैं स्पेशली डाल रहा हूँ कि नी टूटा है तो नी टूटा हुआ था उसका सर्जरी हुआ है। स्टिफनेस जो होता है वो अलग होता है, और स्टिफनेस जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का सर्जरी हो चुका है टीबिया फेब्रिला का या फीमर का, नी का भी अगर बैंड नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो स्टिफनेस हो जाता है, पेन होता है, इसकी वजह से हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसी वजह से वो स्टिफनेस जो है बढ़ जाता है, और आप लोग जो घुटना है वो मोड़ नहीं पाते हो। और
जिसका टूटा है वो अंदर से उसको रिपेयर करना पड़ता है, तभी जाके वो बैंड होगा, वो उसको मुड़ने ही नहीं दे रहा था। तो ऐसी कहानी है मेरी। तो हालांकि मैं बता चुका हूँ मेरे पहले बहुत सारे वीडियो में, नी टूटा है, नी की सर्जरी होगी, नी की सर्जरी होगी, नी की सर्जरी होगी हर वीडियो में, लेकिन फिर भी है। तो जो कि जिन्हें भाई और कुछ बहनें हैं उन्हें होता है, तो यहाँ नहीं, कभी कभी इंस्टाग्राम पे वो बोलते हैं, तो उनके लिए बताना ज़रूरी समझा। और कैसा है मूवमेंट आप करोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, दर्द होगा, पेन होगा, बहुत पेन होता है, लेकिन तो कोशिश कीजिए कि कीजिए, तभी होगा वो। और जिनका भी अगर एक्सरसाइज करते वो दूसरे दिन वापस वैसे ही हो जाता है, क्योंकि आप उतना नहीं कर पा रहे हो ना, आपको करना पड़ेगा। कि आप एक्सरसाइज करोगे तो होगा, आप 24 घंटों में सिर्फ एक उसको दे रहे हो 10-15 मिनट और फिर वापस अगले दिन करोगे तो सीधा ही रहेगा, वो वापस नहीं होगा, उसे कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे मुझे भी डॉक्टर ने कहा है, अगर मैंने सर्जरी तो कर दिया है लेकिन उसके बाद में काम मेरा है, मेरा पेशेंट का है, डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया है, तो बैंड करना ये करना ये हमारा मेरा काम है। तो वही बात है, अभी ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है नीचे 70-80 डिग्री, तो 90 हो जाएगा तो सही है, ठीक है, 90 तक बोले उन्होंने, फिर 90 होने के बाद में फिर थोड़ा बाद में, अभी नहीं। तो वैसा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, कुछ मतलब ही नहीं है फिर, वो फिर वही नॉर्मल 60-70 या जो भी 50 होगा। तो ये मैं कम से कम अभी फ़िलहाल घर पे ही हूँ, तो करते रहता हूँ एक्सरसाइज, नहीं करूँगा तो वही बात है, स्टीफ होगा। वो तो उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद तो हमारा काम है। ये हड्डी जो मेरी टेढ़ी हो गई थी उसके लिए बीच में लगाया था, ये भी मैंने वीडियो में डाला, और ये आगे का तो अभी निकल गया था, ये जो सर्जरी हुआ था तभी। तो अभी देखिए नी के यहाँ पे जो स्टिचेस थे ऑलमोस्ट निकल गए थे, स्टार्टिंग में आपने देखे पहले थे कि धीरे धीरे निकल गए, अभी जैसे कि निकल गए हैं। तो अभी जो है घर पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, एंकल भी अगर नहीं घुमाऊँगा तो वो स्टिफ हो जाएगा, फिर किसको ब्लेम करना है। तो वो वहाँ पे तो ऐसे कुछ है नहीं, वहाँ पे से स्क्रूविंग किया गया था जो स्टार्टिंग में तो पेनफुल था, लेकिन एंकल नहीं घुमाऊँगा, पैर रब डाउन नहीं करूँगा या एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मसल्स में पावर नहीं आएगी, मसल्स में पावर नहीं आएगी तो मूवमेंट नहीं होगा, हड्डी जॉइंट नहीं होगी। हालाँकि इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तो उनका हड्डी नहीं जॉइंट होता है और धीरे धीरे जॉइंट होगा। तो ये देखिए घुटना घुमा रहा हूँ, फिर एंकल भी जैसे कि राउंड राउंड घुमा रहा हूँ, घुटने को भी जो कि मुझे बताया गया है डॉक्टर ने वैसे कर रहा हूँ, और ये करते रहता हूँ तभी मेरा आज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आपने हॉस्पिटल में भी देखा था जब मेरा मूवमेंट था उतना नहीं था, तो ये जब मुझे अभी सर्जरी करके टाइम हो गया है, नी का इतना एक्सरसाइज कर रहा था कि उसमें से पानी आ रहा था, हाँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसीलिए, जब नहीं करूँगा स्टीव वो वैसे ही रहेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, हमें भी अपना करना है। तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कैसे मैं CPM के ज़रिए अपना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और नी को है कोशिश कर रहा हूँ बैंड करने की, जो कि मैं नॉर्मल जैसे ज़िंदगी होती है वैसे अपना जो आगे कर पाऊँ। और